नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए करते हैं दिल की बात एकदम साफ। आज हम एनिमल मूवी का रिकैप करेंगे। आखिर रिकैप क्यों मैं कर रहा हूँ, ये चीज आपको पता लगेगा वीडियो के सबसे लास्ट में। लास्ट में जो मैं एक प्रेजेंटेशन आपके सामने पेश करने वाला हूँ, उसको बहुत ही ध्यान से आप लोग को देखना। मूवी शुरू होता है कुछ सरदार के बीच में, एक बंदा बैठा हुआ जो बुजुर्ग है, वो एक कहानी सुनाता है चतुर बंदर का। मूवी यहीं से शुरू होता है और अगले ही सीन में चला जाता है स्कूल में, जहाँ पे एक विद्यार्थी जानवर को एक्सप्लेन कर रहा है। उस बच्चे के पिताजी का आज जन्मदिन है, वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है अपने पापा से मिलने के लिए घर जाके। दोनों बहन के साथ वो भागते हुए घर पहुँचता है, लेकिन पापा घर पे नहीं मिलते हैं। फिर भागते हुए फैक्ट्री पहुँचता है, पापा वहाँ भी नहीं मिलते हैं। थक हार के रात में वो सो जाता है। जब देर रात पापा घर आता है तो बच्चे के हाथ में एक चिट्ठी होता है। उस चिट्ठी में पापा से उम्मीद लिखा होता है। पापा उसके लेटर को पढ़ता है, लेकिन इग्नोर कर देता है बिल्कुल। अगले दिन वही बच्चा स्कूल में अपने सहपाठी के बीच में चॉकलेट बांट रहा होता है और वहाँ अपने पापा पे गर्व प्रकट कर रहा होता है। अब अगला सीन हमारे सामने आता है, वही बच्चा अब जवान हो चुका है, एक इंगेजमेंट पार्टी में जाता है। जिसका इंगेजमेंट है उसी से वो बचपन से प्यार करते आ रहा है और उसी दिन वो उसको प्रपोज कर देता है वहीं पर, और वो शायद मान भी जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं उसके पिताजी के 60वें जन्मदिन की तैयारी चल रही है और वहाँ पे उसका बहस हो जाता है उसके जीजा से, बहुत ही तगड़ा वाला। अपने बहन को मनाने के लिए वो अपने जीजा से माफ़ी भी मांग लेता है, लेकिन पापा नाराज हो जाता है क्योंकि पापा के सारे काम वही जीजा ही देख रहा होता है। और उसी दिन वो लड़की उसके घर आ जाता है अपने घर छोड़ के इससे शादी करने। जब वो लड़का उस लड़की को अपने पिताजी से मिलाता है तो पिताजी बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है, उस पर ध्यान ही नहीं देता है। फिर वो दोनों जाता है और अकेले जाके मंदिर में शादी कर लेता है, और शादी करके वो चला जाता है अमेरिका। वहाँ उसके दो बच्चे होते हैं, वो हंसी खुशी जी रहा होता है। वहाँ पर की खबर आता है उसको, उसके पिताजी पर हमला हुआ है जानलेवा। अब वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के आनन फानन में पहुँच जाता है अपने पिताजी को देखने। आखिर कौन मारना चाहता है उसके पिताजी को और क्यों? सबसे पहले वो सोचता है कि अपने घर को बिल्कुल ही सिक्योर किया जाए, तो उसके लिए वो जाता है अपने रूट की तरफ, अपने गांव में जाता है अपने चाचे ताई भाई से मदद मांगने के लिए, और वो लोग उसका मदद कर भी देता है। गांव से उसके भाई आके उसके सिक्योरिटी का जिम्मा उठा लेता है और पूरे घर को बिल्कुल ही सिक्योर कर देता है। फिर वो अपने पापा को बिल्कुल सिक्योर कर देने के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल करता है, बिल्कुल अपने पापा के जैसे दिखने वाला एक आदमी को सामने रखता है। वो आदमी जब अपने घर जा रहा होता है तब उस पर हमला होता है और उसको जान से मार दिया जाता है। उसके मरने के बाद राज खुलता है कि इसका जीजा ही इसके पापा को मारना चाहता है और इसमें शामिल है कोई और आदमी। उसके बाद वो आदमी अपने पूरे लव लश्कर के साथ बहुत सारे आदमी के साथ हमला कर देता है इस पर, और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीषण लड़ाई होता है, बहुत ज़्यादा मार काट होता है, और उसमें यह बंदा भी बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है, लगभग मरने ही वाला होता है। और वहाँ पे इसको पता लगता है कि मास्टरमाइंड तो कोई और ही है, और उसी बंदा को फ़ोन पे अपना नाम बताता है पहली बार, रणविजय। और इस बीच ये बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका, लगभग मरने के कगार पे है, हार्ट काम नहीं कर रहा है, पूरे शरीर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ चुका है इसका। जब ये बहुत ही घायल अवस्था में पड़ा है तो सीन चला जाता है कहीं और। एक जगह एक बंदा नाच रहा है और बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक बज रहा है, वो होता है वही मास्टरमाइंड। उसका आज तीसरा शादी है, दो शादी पहले कर चुका है, बहुत सारे बच्चे भी हैं, लेकिन उसको पता नहीं है कि उसका भाई मर चुका है। उसी दिन उसके एक आदमी उसको बता देता है कि तुम्हारा भाई मर चुका है, वो उस बताने वाले आदमी का वहीं पर क्रियाकर्म कर देता है। उसके बाद वो अपने भाई के लिए 2 मिनट का मौन तो रखता है, लेकिन उसमें किसी भी महिला को शामिल नहीं करता है, सबको बाहर कर देता है। और उस मौन रखने के बाद तुरंत जाता है उस नई नवीली दुल्हन के पास और वहीं पे उसका बलात्कार करता है। उसके बलात्कार करने के बाद अपने दो और पत्नी जो है उसको भी बुलाता है, उसके साथ भी वो वही करता है। वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर है, लेकिन वो क्रूर तो है लेकिन कुछ बोल नहीं सकता है। उसको आवाज़ देता है उसका एक भाई। तब इसको एक हार्ट डोनर की तलाश है, बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त, पूजा पाठ, यज्ञ हवन करने के बाद इसको एक डोनर मिलता है, और उस डोनर का हार्ट इसके अंदर फिट हो जाता है, इसका दूसरा जन्म होता है। जैसे ही इसका दूसरा जन्म होता है तो एक लड़की उसके पास आती है और कहती है कि मेरे ही फियोंसे का हार्ट तुम्हारे अंदर लगा है। ये बंदा कहता है चलो कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारा दिल हल्का ना हो जाए तुम यहीं रह सकती हो। फिर उसको अपने फार्म हाउस पर ले जाता है
और उसको बिल्कुल ही तृप्त कर देता है। जब वो तृप्त हो जाती है तो फिर वो जाके अपना राज खोलती है। वो तो एक विश्वकन्या है जो इसको बिल्कुल तबाह कर देने के लिए आई है। किसी ने उसको भेजा है और वो इसका एक बॉडी डबल बना रहा है ताकि इसके घर में घुस के इसको मार सके और वो आखिरी बार हो बिल्कुल तबाह कर दे इसको। अब जब रणविजय को पता लग चुका है उसका दुश्मन कौन है और हनी टेप वाली लड़की रणविजय को ये भी बताता है कि उसका वो कोई रिश्तेदार ही है, फिर वो भागे भागे घर आता है, अपने दादा और पापा दोनों को बिठा के उससे पूछता है, बताइए कौन है। रणविजय का दादा वहाँ पे एक कहानी सुनाता है रणविजय को। वहाँ पे बताता है, हाँ एक मेरा भाई था जो किसी वजह से बिछड़ गया था। फिर रणविजय का पापा बताता, हाँ उसका लड़का आया था मेरे से हक मांगने के लिए। उसका पापा कहता है, यदि वो मुझसे मदद मांगने आया होता तो जरूर मदद करता, लेकिन उसने तो मुझसे हक मांगने आया था स्वास्तिक स्टील में, जिसमें उसका कोई हक नहीं बनता है। आज करवा चौथ का व्रत रखा है उसकी बीवी ने। जैसे ही उसकी पत्नी गीतांजलि छन्नी उठा के चांद को देखता है और उसके बाद रणविजय को देखता है, तो वहीं पे वो उसको बता देता है कि इतने दिनों से मैं किसी लड़की के साथ फिजिकल था। बस वहां पे जो गुस्सा होती है इस पे, ये दोनों में बहुत ज़्यादा तकरार होता है, थोड़ा बहुत नोकझोंक भी हो जाता है, वहाँ गोली तक चल जाता है। फिर थोड़ा बहुत वहाँ पे गीतांजलि कॉम्प्रोमाइज भी कर लेती हैं। अब एक तरफ गीतांजलि नाराज हैं, अब रणविजय को पता लग चुका है कि वो बंदा स्कॉटलैंड में रहता है। ये पूरे लव लश्कर अपने भाइयों के साथ तैयारी के साथ पहुँच जाता है स्कॉटलैंड और उसके घर पर हमला बोल देता है। उसको आते देख अबरार हक वहाँ से भाग जाता है तीनों पत्नी को छोड़ के, जिसमें से एक पत्नी तो उसका प्रेग्नेंट भी है। एक पत्नी हिजाब में दिखती है, दूसरी पत्नी फॉर्मल ड्रेस में, तो तीसरी बिल्कुल ही मॉडर्न है। लेकिन तीनों अबरार हक को सपोर्ट करता है, बिल्कुल भी उसके लिए मुंह नहीं खोलना चाहती है। लेकिन रणविजय उसका मुंह खुलवा लेता है। वो बताती है कि यहीं पे एक बगल में एक रनवे है जहाँ पे चार्टर प्लेन से वो भागने की कोशिश कर रहा है। तो रणविजय वहाँ पहुँचता है और उसको रोक लेता है। दोनों में वहाँ पे लड़ाई होता है, सिर्फ हैंड टू हैंड लड़ाई होता है जिसमें रणविजय जीत जाता है। वहाँ पर रणविजय उसको ऑप्शन भी देता है कि तू बोल दे कि तू सुधर जाएगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन वो नहीं मानता है। अब रणविजय वहाँ से अपने घर आता है पूरा खून से लथपथ, अपने पापा को कहता है, पापा देखो देखो मैं क्या करके आ गया हूँ, मैं ख़त्म कर दिया उसे। और उस दिन उसके घर में बहुत ही ज़्यादा उत्सव मनाया जाता है और उसी दिन अपने पापा से कहता है, पापा पापा काश आपने हमारा साथ दिया होता तो आज यह दिन मुझे नहीं देखना पड़ता, आज मैं इस रूप में आपके सामने नहीं होता। फिर वहाँ अपने पापा के सामने एक दिन को क्रिएट करके पापा को एहसास दिलाता है कि पापा काश आप हमारा साथ दिए होते तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। और उसी दिन उसकी बीवी अपने बच्चे को लेकर अमेरिका जाने की तैयारी में होता है, गाड़ी में बैठ के चल देती है कि उसका बेटा ज़बरदस्ती गाड़ी रोक के भागते हुए आता है और इसके गले लग जाता है। फिर जाकर उसकी बीवी को एहसास होता है कि मैं भी तो वही कर रहा हूँ जो इसके पिता ने इसके साथ किया था, एक बाप बेटे को अलग कर रहा था। यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाता है और हमारे सामने आता है एंड क्रेडिट, जिसमें हम देखते हैं कि रणविजय का ही एक युवा रूप है जो बहुत ही ज़्यादा क्रूर है, अबरार हक का भाई है। उसने अपने तीनों भाभियों को मार दिया था जिसने अबरार हक के बारे में बताया था कि वो रनवे पे है। अबरार हक के नई नवीले दुल्हन का जुड़वा लड़का होता है जिसको कोई और ही दाई पाल रही होती है। वहीं पे जोया भी होती है, वो हनी ट्रैप वाली लड़की, वो भी अब प्रेग्नेंट है। वहीं अबरार हक का भाई कहता है, यदि तुम्हारा बच्चा मेरे जैसा हुआ फिर तो मेरा बच्चा नहीं है, यदि मेरे जैसा नहीं हुआ तो फिर वो मेरा ही बच्चा है। और वहीं पर हम देखते हैं कि रणविजय के दो भाई को वहाँ पर वो बांध रखा है और उसको बहुत ही क्रूरता के साथ वो मारता है। मूवी वहीं पर ख़त्म हो जाता है। लिखा आता है एनिमल पार्क कमिंग सून। ये मूवी पूरे 3.5 घंटा का है। इसका रिकैप मैं बहुत ही जल्दी करने की कोशिश किया हूँ, कुछ सीन छूट गया है, कोई बात नहीं, एक कंप्लीट आपके सामने कहानी आ चुका है। इसी कहानी के ऊपर मैंने ये प्रेजेंटेशन तैयार किया है, इसको आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। मैं इस प्रेजेंटेशन में सभी कैरेक्टर का नाम बदल के और फिर जाके इसी कहानी के ऊपर उसको फिट करके देखते हैं, फिर जो हमारे सामने रिजल्ट निकल के आता है वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है। उस रिजल्ट के ऊपर बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए और आप खुद इस सारे कैरेक्टर को इस मूवी के हर कैरेक्टर पर फिट करके देखिए कि कितना बढ़िया रिजल्ट आपके सामने निकल के आता है और आप बिल्कुल चौंक जाओगे।
और अपने आसपास घटना भी ऐसे घटते देखोगे जब भी हम कहाँ पे हैं। यदि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस मूवी में अभी भारत कहाँ पे खड़ा है तो प्लीज़ हमें बताइए और लगाइए अपना दिमाग, दिमाग का घोड़ा दौड़ाइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। नमस्ते।